हेलो गाइस, तो आज असल में ये देखिए, पहले तो यहाँ पर है मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया और प्याज और मिर्ची का सेल, और यहाँ पर है मूली, आलू और हल्दी, नमक, मिर्ची का पाउडर और हमारा स्पेशल नमक और जीरा। और गाइस, असल में ना मैंने सोचा आज भी वीडियो नहीं करूँ, लेकिन कोई हिसाब से नहीं आता असल में, क्योंकि मैं वीडियो नहीं करूँगी। मैं आपने बहुत एक्सपेक्ट होते हैं, उनमें ना कुछ दिन से क्या दो हफ्ते हो गए मुझे, मतलब इतना बीमारी, इतना बीमार हो मुझे, अभी इतना बीमार आया ना, मतलब एक वायरस है, देखिए मुझे चश्मा ला कर घूमने पड़ता। असल में मैं रियल में तो लेती हूँ बैगन में, ठीक है, असल में ये मेलबर्न जो है असम में ही है, और मैं यहाँ पर ओवर एक्टिंग भी कर लूँ, मेरा कोई खासी नहीं है। लेकिन एक बात बोलो, अभी जो मैं ओवर एक्टिंग कर लूँ ना, इसके कुछ घंटे बाद ही मेरे साथ क्या हुआ मैं बोलूँगी, इसलिए मैं बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी पहले तो मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए रेस्ट करेगा यार, इतना पब्लिक। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप लोग इसे वीडियो में मिले, तो प्लीज़ भगवान को तैयार, भगवान को प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, मुझे कुछ बीमारी ना हो, प्लीज। सो असल में क्या था, बहुत दिन आगे मेरा एक बीमार हुआ था, जो कि अभी वायरस आया है सोफे। अब मेरी मम्मी देखने से मुझे भी शर्म आता है, ये सब बोलती हूँ मैं, लेकिन अभी क्या करूँ, आप लोगों को बोलने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता। तो बहुत ज़्यादा अभी पहले, मतलब आज कौन सा डे है, आज वेडनेसडे है, तो इसके आगे का मंडे, रात 4 बजे से मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द, कान में दर्द और आँखों में दर्द, पहले तो हो सकता था ये कुछ नहीं चला जाए। इसके 2-3 दिन बाद मैंने अपने दादी को, अपने अंकल को भी पूछा, मतलब अपने पापा को, असल में वो मेरे काफ़ी ही है, मैं उनको पक्का बता। तो अभी पहले तो मूली और मसाले डाल देते हैं, आलू फ्राई करके, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ, मैं उन्होंने बोला कि ये एक वायरस है, 3 दिन बाद चला गया। सो मैंने सोचा सर 3 दिन तक किसी तरह रोक लूँगी सर दर्द और ये सब दर्द, और एक तरफ से है इसमें आता है बुखार, ठीक है, बुखार आता है। सो फिर क्या करें, अब मेरा बुखार आया, मेरा बुखार आया तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, सो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और लास्टली मैं ठीक हो गई अभी, लेकिन अभी भी बहुत सारा पेन है, मेरी तबीयत अच्छा नहीं है अभी तक, फुल्ली जो अच्छा होता है वो नहीं है, मैं 70-80% अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी अभी 20-30% मैं अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तभी भी मेरा सर में दर्द है और अभी भी कर रहा है, और रियल में मुझे बहुत सारे दवाई खाने पड़ते हैं, कोई अगर रिसर्च करे या ना करे, मेरी मेरा फैमिली जानते हैं मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ, और मैं हाँ क्या बोलूँ, मैं अपनी बीमार के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि हर टाइम बीमार 12 महीने में ना 12 बार मेरे बीमार होते, 12 बार हर एक दिन में मेरा बीमार होता है, बीमार एक दिन अच्छा गया तो दूसरे दिन खांसी बुखार ये सब आता ही रहेगा, लेकिन मैं फिर भी चलो एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ दे दिया। सो मैं तो चाहूँगी यार मेरा बीमार कम जाए यार, और अच्छा नहीं होता और कितना सहन करूँ, बीमार हर एक बीमार बीमार को ना, मैं कोई कोरोना वायरस का जो जैसे हैंड सैनिटाइजर होता था ना, बीमार का भी अगर कुछ होता ना तो इसको खा के पी के कुछ भी कर देती, लेकिन ये बीमार की भी जाते यार, तबियत ठीक है चलो कंसीडर कर ही लेते। सो तो अभी मैं बात करते करते इतना ही पका रही हूँ आप लोगों को, कि अभी देखिए मछली का सिर भी डाल देते हैं, साथ में धनिया भी डाल दिया गया है, और साथ में गरम मसाला भी डाल दिया गया है। अभी देखो
धनिया का भी भैया है भी अलग से, मुझे अच्छा लगे या ना लगे वो है अलग बात। अगर धनिया थोड़ा डाल दिया जाए ना तो फिर इतना अच्छा टेस्ट आएगा, इतना अच्छा टेस्ट आएगा, इतना अच्छा स्मेल आता है। और गरम मसाला डाल दिया, ओहो हाँ हाँ गरम मसाला हर एक चीज़ में डालना ठीक नहीं है, लेकिन डाल सकते ऐसी रेसिपीज में। सो प्लीज़ पहले फर्स्ट में आपने देखा होगा कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब लिखा है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा ऐसे न्यू रेसिपीज देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इसके बाद और में नोटिफिकेशन में आ दीजिएगा। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किया तो।